लेट मी स्टार्ट योर लेसन. हम लेसन शुरू करते हैं सूरदास के पद, जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं. बेटा हमारा लेसन है सूरदास के पद. ठीक है, अब सूरदास मींस ही है, मैंने बताया था आपको, अंधा. इन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है, श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, और इतना सजीव वर्णन किया है, ऐसा लगता है हमारे सामने श्री कृष्ण खेल रहे हैं. ठीक है, सजीव वर्णन है, जैसे इन्होंने देखा हो श्री कृष्ण को, जबकि सूरदास का मीनिंग ही है अंधे. ठीक है, ये जन्मांग थे, जन्मांध. दो वर्ड हैं इसमें, जन्म और अंध. इन दोनों शब्दों की संधि हो गई तो जन्म म के साथ आ की मात्रा आ गई, बन गया जन्मांध. जन्म से अंधे थे फिर भी ये कैसे इतना सुंदर वर्णन कर पाए, यही हैरानी की बात है. ठीक है बच्चे, तो सूरदास के पद हम शुरू करते हैं. मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, मैया मेरी छोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पियत में, कितनी बार मुझे दूध पिलाएगी तू. ये अजहू है छोटी, ये अभी भी छोटी है. तू जो कहत बल्कि बेनी जो, तू कहती थी जैसे बलराम भैया की छोटी है, हवे है लंबी मोटी, पर वह तो बहुत लंबी है, बहुत मोटी है, और तू कहती है बलराम भैया के जैसे मेरी छोटी हो जाएगी. काढ़त गूहत नहावत जहे, तू नहलाती है मैं नहा लेता हूँ, तू कंगी करती है मैं करवा लेता हूँ, तू चोटी गूंदती है मैं गूंदवा लेता हूँ. नागिन सी हुई लोटी, और तू कहती है कि ये नागिन की तरह मेरे पीछे पीछे चलेगी मेरी चोटी, और जमीन को छू लेगी मेरी चोटी. नहीं ऐसा नहीं हो रहा, काचो दूध पियावत पचपच, क्यों बार बार दूध भी लगती है मुझे. पची पची देत ना माखन रोटी, मुझे माखन और रोटी मेरी मनपसंद चीज, मक्खन और रोटी क्यों नहीं देती. सूर चिरंजीवो दो मिया, सूरदास जी कहते हैं दोनों भाई की जोड़ी चिरंजीव, बहुत लंबी आयु वो दोनों की, चिर और जीव, देर तक जिंदा रहे. हरी हल्दर की चोटी, दोनों की जोड़ी सलामत रहे, दोनों की जोड़ी बनी रहे. ओके, तो इसमें क्वेश्चन आया था कि श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार है. उनको लोभ देती है माँ कि तुम्हारा तो चोटी बड़ी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी. श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं, लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, नागिन से उसके पीछे घूमेगी चोटी, और जमीन को छू लेगी उनकी चोटी. दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन कौन से खाद्य पदार्थों से अधिक पसंद है, माखन और रोटी उन्हें दूध से ज्यादा पसंद है. ओके, ये तीन क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ के थे. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ. ओके, तेरे ला तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाडले ने मेरा मक्खन खा लिया. अब तेरा कौन है, यशोदा का, यशोदा, यशोदा द दवात वाला द, यशोदा के बेटे ने मक्खन खा लिया है. कौन कह रही है, गोपियां. ठीक है, गोपियां कह रही हैं तेरे तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे बेटे ने मेरा माखन खा लिया है. दोपहर दिवस जान घर सुनो, दोपहर के समय घर को सूना जान के, घर को खाली जान के, ढूंढ ढूंढोरी आप ही आयो. ढूंढता ढूंढता खुद ही आ गया मेरे घर में, ढूंढता ढूंढता तेरा बेटा खुद ही मेरे घर में आ गया है. खोल किवार बैठ मंदिर में, मैं दीवार दरवाजा खुला था, मैं मंदिर में बैठी थी. दूध दही सब सखी ने खिवायो,
मेरा दूध दही सब अपने दोस्तों को खिला दिया है इसने। ओखल चढ़ ओखली पे चढ़ के सीके की कोली ने छीके पे हाथ डाल लिया और मेरा दूध दही मक्खन निकाल लिया। अनभावत भूई में ढड़कायो और जितना उसे नहीं चाहिए था, अनभावत अनवांटेड जितना उसे नहीं चाहिए था वो उसने जमीन पर फेंक दिया है। भूई मीन्स जमीन, भू भूमि धरा जमीन। दिन प्रति हानि होत गोरस की, हर रोज दूध दही मक्खन की हानि होती है। गोरस मीन्स दूध से बनी हुई चीजें। ये डोडा कौन ढंग लायो, तेरा बेटा किस तरह का बच्चा है, ये कैसा अजीब है, दूसरों के घर से जाके मक्खन चुराता है। ये ढोटा, ढोटा मीन्स बेटा, कौन ने ढंग लायो, किस ढंग का है तेरा बेटा। सूर श्याम को हटकना राखे, सूरदास जी कहते हैं गोपियां शिकायत कर रही हैं कि ये छोटा माँ तू श्याम को रोकती नहीं। तही पूत अनोख हो जायो, तूने बेटा अनोखा बेटा पैदा किया है, हम सबके बेटे नहीं है क्या, तेरा बेटा अनोखा है, अलबेला है तेरा बेटा। अनोखा क्यों कहा है उसने उनके बेटे को, क्योंकि अपने घर में दूध दही होते हुए भी श्री कृष्ण दूध दही चुराने दूसरों के घर में जाते हैं, बाल लीला करते नजर आते हैं। क्वेश्चन, तेही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन कौन से भाव पैदा हो रहे हैं। शिकायत कर रही है वो यशोदा से कि तुम्हारा बेटा अनोखा है, हमारे भी बेटे हैं, किसी के घर से दूध नहीं चुराने नहीं जाते, तुम्हारा बेटा कुछ विशेष बेटा है जो सबके घरों में दूध दही चुराने चला जाता है। उलाहना दे रही हैं, शिकायत कर रही हैं गोपियां यशोदा से। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चे वो सबूत छोड़ते हैं कि मक्खन मैं चुरा के गया हूं। नंबर वन पॉइंट होगा, वह सबूत छोड़ते हैं कि माखन श्री कृष्ण ने चुराया है। नंबर टू, ऐसा लगता है मानो वो भूमि को भी भोग लगवा रहे हैं, धरती को भी भोग लगवा रहे हैं। Have you ever seen your mother आग को भोग लगवाती हुई, किसी ने अपनी माँ देखी है। गैस जब जलाते हैं ना तो थोड़ा सा पेड़े का टुकड़ा लेके आग में डाल देती हैं, यानी अग्नि को भोग लगवाना, अग्नि देव को भोग लगवाना कहते हैं इसे। फिर गऊ के भोग के लिए खाना रोटी बनती है, कुत्ते के लिए खाना बनता है, घर की काम वाली के लिए बनता है, यानी बांट के खाने को शुभ माना जाता है, शुरू से ही शुभ माना जाता है। ठीक है बच्चे, चुराते समय माखन चुराते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन क्यों बिखरा देते हैं। मैंने दो कारण बताए आपको बच्चे। पहला कारण मैंने बताया कि वह जैसे सबूत छोड़ के जाना चाहते हैं, और दूसरा कारण मैंने बताया बेटा कि वह भूमि को भोग लगवाते प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि वो धरती को भी भोग लगवाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों, इट इज अप टू यू। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो जिस पैराग्राफ की व्याख्या आपको अच्छे से आती होगी उस पैराग्राफ के बारे में आप लिख देंगे। ठीक है जी, इट इज अप टू यू, यू विल नॉट डू दिस क्वेश्चन इन कॉपी। हम कॉपी में पहले 5 प्रश्न करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, आ सकता है पर आप कॉपी में 5 ही करेंगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज ऑफ योर ओन चॉइस,
आप पहले पैराग्राफ का लिखते हैं, दूसरे का लिखते हैं, ठीक है? ओके, अनुमान और कल्पना देखिए, दिस इज फॉर डिस्कस ओनली। देखिए ध्यान से, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर? 28 इंक्लूडिंग मी, यानी 27 प्रेजेंट है आउट ऑफ आई थिंक 45 है ना। हाँ चलिए, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। सेकंड पैराग्राफ, यानी जब वो माखन चुराते हैं, 7-8 साल के होंगे, 9 साल के होंगे, बस 7, 8 और 9 साल के बीच में होंगे। उनकी इसी इन्हीं वर्षों में नटखट लीलाएं मशहूर है। और बच्चे, जब गोपियां शिकायत करके जाती थी ना बच्चे, तो श्री कृष्ण को माँ तरह तरह की यातनाएं देती थी, ओखली से बांध देती थी, दो पेड़ों के बीच बांध देती थी, है ना। तो उन्होंने दोनों पेड़ उखाड़ दिए थे, कहा जाता है कि वो भी दो ऋषियों का उद्धार किया था जो पेड़ के रूप में जड़ हो गए थे। ये सारी लीलाएं, पूतना का वध कर दिया था, दूध पीते पीते उसका सारा स्तन चूस गए थे। ओके, तो ये उनकी लीलाएं हैं, इनके ऊपर हम विवाद तो कुछ भी नहीं खड़ा करेंगे, बस जो जैसा है चलने देंगे। ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो, और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। अरे, श्री कृष्ण की बाल लीला से हम अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? वो तो नटखट थे, दूसरों के घर चुराने जाते थे, हम तो अपने घर में भी चोरी नहीं कर सकते, है ना। और वंस इन अ वाइल कोई चीज स्वाद लगे तो हम खा भी लेते हैं, और माँ से झूठ भी बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण पता क्या झूठ बोलते थे? श्री कृष्ण कहा करते थे, माँ मैं तो गया ही नहीं, मेरे दोस्त जबरदस्ती मुझे ले गए थे। ओके, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो, और फिर आपके किसी अभिभावक या माता पिता, बड़ा भाई बहन आदि ने उत्तर मांगा हो। होता ही है, आपकी शिकायत होती ही रहती है घर में, मम्मी पापा को, पेरेंट्स ने भी कोई ना कोई शिकायत होती रहती है ना। और फिर उसका उत्तर भी मम्मी घर आके मांगती है, पापा भी मांगते हैं। तो आप कोई भी घटना यहाँ पे सोच सकते हैं। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया। इसके लिए एक वर्ड माखन चोर, वन वर्ड माखन चोर, ठीक है। श्री कृष्ण के लिए 5 और पर्यायवाची शब्द, 5 क्या 50 कहो तो लिख दें, गोपाल, जगदीश, हरि, गिरिधर, मुरलीधर, काना, कन्हैया, श्याम, घन श्याम, कितने ही वर्ड्स वी कैन राइट। नेक्स्ट पेज पे, मिलते जुलते वर्ड्स को पर्यायवाची कहते हैं और विपरीत शब्दों को विलोम कहते हैं। That you know it very well. But this lesson is over. Do you want to ask something about this lesson? Or should we move to the next lesson? Do you want something? You can unmute yourself and ask if you want to ask something regarding this lesson. Unmute yourself and ask if you want to ask anything about this lesson. Otherwise, I will move to the next lesson. No one. हाँ, हार्दिक, कितने क्वेश्चन हैं? मैम, इसके चैप्टर के कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं? मैं पहले 2 करना है, पहले 2 करने हैं, उसके बाद कितने करने हैं? बेटे सारे करने हैं ना बेटे, 6 के 6 हैं, 5 करने हैं आपको, 6वां नहीं करना। छेवा मैंने मना कर दिया क्योंकि दोनों में से कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हो। 5 क्वेश्चन कॉपी में कर लेंगे आप। एनीथिंग एल्स बच्चे? नो। ओके, लेट अस स्टार्ट विद पानी की कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन फॉर वाटर?
H2O, H2O, two parts of hydrogen, one part of oxygen, that is water. ठीक है, अब पानी की कहानी सुनाने से पहले अगर मैं कहूं कि पानी धरती के अंदर है, वॉटर इज फ्लोइंग अंडर अर्थ, ठीक है, पानी अंदर है धरती के, तो इमेजिन कीजिए कि पानी के साथ क्या क्या हो सकता है। अपनी कल्पना में आपको एक कहानी गढ़नी है कि आप पानी है और धरती के अंदर है, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले मुसीबत क्या आएगी? पता है, पानी अगर धरती के नीचे फ्लो कर रहा है ना, तो हो सकता है फ्लो करते करते कहीं वो वॉल्केनो के पास चला जाए और टच करते ही सूख जाए, वॉल्केनो को टच करते ही वो सूख जाए, यानी उसका अस्तित्व ही मिट जाए। मेनी टाइम्स क्या होता है, पानी नीचे है, पेड़ की जड़ें बहुत नीचे तक आ गई और किसी पेड़ की जड़ ने उसे खींच लिया, किसी पेड़ की जड़ ने आपको खींच लिया, एंड व्हाट विल बी योर पोजीशन? आप तो कैद हो गए, आप उसकी रूट्स में, जैसे पाइप में अंदर घुस रहे हैं ना, आप उसकी रूट्स में धक्के से घुसते जा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ और बड़ी बूंदे साथ में है ना, उसकी ट्रंक में, उसकी सॉरी टैप रूट में आप चले गए, रूट से ट्रंक में गए, ट्रंक से आप पत्तों में गए, पत्ते उन पौधों की किचन थे, अब पत्ते उन पौधों की किचन थे, उन पौधों के खाना बनाने में हम लोग बीच में घुस गए, ठीक है, पानी पत्तों के बीच में घुस गया और खाना बनना शुरू हो गया, एंड अपना मलिया में पानी अपने साथ खनिज पदार्थ लाया था, विटामिन लाया था, पता नहीं क्या क्या लाया था, वो सारा खाना बनाने में लग गया और पानी का अस्तित्व खत्म। और अगर बाय चांस वहां से बच गया, पानी निकल गया, तो क्या होगा, पत्ते के ऊपर आ जाएगा। आपको साइंस के अकॉर्डिंगली पता है वेस्ट वाटर बाहर निकाल दिया जाता है ना, तो पत्ते के ऊपर आ गया, वो ड्यू ड्रॉप्स बन गई, ड्यू ड्रॉप्स बन के वो कहीं भी गिर सकती है, आग पे गिरी फिर सूख जाएगी, खत्म। और अगर ड्यू ड्रॉप ऐसे ही रही तो फिर सन उसे इवेपोरेट कर देगा, दोबारा भाप बन जाएगी, दोबारा कंडेंस होके फिर वाटर बन जाएगी, फिर धरती में चली जाएगी। यानी हमारे इस लेसन में पानी अपनी इसी तरह की कहानियां बता रहा है, कहता है मुझे कभी टैप वाटर में घुसा दिया जाता है, कभी किसी पेड़ में घुसा दिया जाता है, कभी मुझे किसी बाल्टी में भर के रख दिया जाता है, कभी कहीं, मतलब मैं धक्के खा रहा हूं, ठीक है। और यू नो इट वेरी वेल, पानी आता कहां से है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, माउंटेन्स एंड स्नो है ना, ग्लेशियर्स से पानी आता है, माउंटेन से पानी आता है, बाद में अर्थ को नहलाता हुआ समुद्र में मिल जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ वाटर, ओके। तो अब देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं यहाँ से कि पानी क्या कह रहा है, जितनी हो सके इस पीरियड में उतनी ही सही, लेकिन कहानी पढ़ते हैं, 10 मिनट है, काफी कहानी पढ़ी जाएगी इसमें। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी, मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। ओस की बूंद हथेली पे, मतलब ऑन पाम, और वो जब हिल रही है ना, उसे लग रहा है म्यूजिक बज रहा है, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, उसे लगता है ये दोनों आपस में रगड़ खा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है। लेखक की कल्पना देखो कहाँ कहाँ जा रही है। ओ उसकी बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई, मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई, थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा
कि कोई बजा रहा होगा, चारों ओर देखा कोई नहीं था, फिर अनुभव हुआ यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था, फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूं, झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फुहारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। बेटा मेरा, मुझे लग रहा है कि कैमरा किसी का भी ऑन नहीं है आपकी क्लास में से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कैमरा बंद कर देना चाहिए, मेरी भी आप अकेली आवाज सुने तो इट वुड बी बेटर। 26 बच्चे हैं और कैमरे सबके बंद हैं, मैं अपना कैमरा बंद कर दूंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे आप लेटे हुए हो, आप बैठे हुए हो, जैसे भी हो बच्चे, कम से कम कैमरा ऑन रखिए, टीचिंग शुड बी लाइव। मैं दीवारों को नहीं पढ़ा रही बच्चे, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आपके एक्सप्रेशन देख के मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू प्रबल, थैंक यू जयवंत, थैंक यू मनस्व, जिन्होंने कैमरा ऑन किया, उन सबका थैंक्स। बच्चे मानी ऑलरेडी कैमरे पे थी, इसलिए उसे नहीं कहूंगी मैं थैंक्स, क्योंकि उसके लिए तो बिग सा थैंक्स है। ओके, उसके बाद है, बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से दुख हुआ। उसने कहा, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, ये ऊपर से जितना बड़ा है, पृथ्वी में भी लगभग उतना ही बड़ा है। इसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। रोए मीन्स नीचे जो उसके नीचे जो होती हैं, क्या कहेंगे, टेंड्रिल्स, रोए होते हैं। जैसे ये जड़ है, ये इसकी ये छोटी छोटी, दीज आर कॉल्ड रोए, जड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स आगे, ठीक है। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, यानी मिनरल्स लेके उनमें से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। किसका? बूंद का। गुस्सा आ गया उसे कि मुझे पकड़ लिया पेड़ ने। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। यानी बूंद कह रही है कि हमारी कुर्बानी से ये पेड़ इतना बड़ा हुआ है। आपको पता है ना, पानी के बिना पेड़ फल फूल ही नहीं सकता। लाख उसे सनलाइट मिले, पर पानी की प्रेजेंस में ही वो काम कर सकता है ना। दो दिन पानी ना दो तो पेड़ मुरझाने लगता है। इवन देन द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट विदाउट वॉटर वी कांट नरिश वन ट्री। ओके ओके, तुम क्या समझते हो वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए ने मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता बढ़ चली। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। कोठरी कौन सी होगी, इमेजिन करो,
द ट्रंक ऑफ द ट्री, तने में, है ना। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है, यानी पानी की बूंदों का ढेर है अंदर और खींची चली जा रही है एक के पीछे दूसरी। उसके लिए स्थान बनाने के लिए मुझे दबाया जा रहा है। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसत भोगती रही। सांसत मींस दुख, टॉर्चर भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। यानी देयर इज ह्यूमिड वातावरण, है ना, ह्यूमिडिटी है और बूंद वातावरण में नहीं जा सकती। तो मैं अपने भाग्य के भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। तभी अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा, क्योंकि वो उसके हाथ पे है ना, ऐसे करके उसके हाथ पे है इस तरह। तो वो कहती है, तेरा हाथ दर्द होना शुरू हो जाएगा, मैं तुझे अपनी कहानियां सुनाती हूँ, तेरा हाथ बिल्कुल नहीं दुखेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगली कहानी क्या सुनाती है। एक कहानी तो बोरिंग पूरी हो गई, उसकी बोरिंग ही थी। हाँ, चलिए अगली देखते हैं। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैस सूर्यमंडल की लपेटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। सूर्यमंडल मींस गैलेक्सी, या हम कहेंगे क्या, ये जो प्लैनेट्स हैं। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चुंधियाने लगी। ये पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यो ज्यो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। इसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। मैं सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। इन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। दिस यू नो इट वेरी वेल, इन साइंस यू हैव रेड दिस, है ना, सब कुछ पढ़ा है ना कि धरती एग्जिस्ट कैसे हुई, कैसे होंद में आई धरती बच्चे, कि सूर्य का ही एक टुकड़ा था, किसी कारणवश ये टुकड़ा टूट गया तो ये प्लैनेट्स बन गए और जिस प्लैनेट पे पानी था उस प्लैनेट पे लाइफ आ गई। ठीक है जी, बस मैं यही छोड़ रही हूँ, बहुत है। हाँ, ऐसा, परंतु इन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, ये सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। आई विल स्टॉप हियर। 97 पेज के लास्ट तक।
कल 98 पेज की शुरुआत से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो जो भी पढ़ा आपने अभी तक क्वेश्चन में देखते हैं, अगर कुछ है नहीं तो कल करेंगे। आज आप सूरदास के पद पाठ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली, ये तो पता है हमें कहाँ मिली थी, बेरी की झाड़ से गिरकर उसकी हथेली पर आ गई, ठीक है जी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप रही थी, एक पेड़ की जड़ ने उसे बंदी बना लिया था और वह घूमती घूमती बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पत्ते पर आई और लेखक के हाथ पर गिरी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से पानी बनता है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज कहा है, मतलब एक लाइन में इसका आंसर है, ओके। तो 3 क्वेश्चंस वी हैव डन फ्रॉम दिस लेसन आल्सो। यू विल डू दीज 3 क्वेश्चंस इन योर कॉपी। प्लीज डू योर वर्क साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड टू अवॉइड हैवी वर्क लेफ्ट आफ्टर वर्ड, ओके ओके बच्चे।